जहाँ देखो डेंगू डेंगू हो रहा है, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, बस इसी बीमारी की बात हो रही है। अरे आप बहुत अच्छा किया, आप आ गए। आपको पता है ना आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो इस बीमारी का इलाज क्या है, और जो लोग इस बीमारी से बचे हुए हैं वो आगे भी इस मौसम में अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने पिछली वीडियो देख ली है ना कि डेंगू कैसे होता है और उसके लक्षण क्या हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए, और बाकी लोग, हम सब लोग जिन्होंने वीडियो देख ली है, हम ये नई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक और बात, पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे एक प्रश्न पूछा था जिसका बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है। प्रश्न ये था कि डेंगू के विषय में इनमें से कौन सी बात गलत है। ए, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। बी, डेंगू का मच्छर रात में काटता है, दिन में नहीं। या सी, डेंगू के अधिकतर रोगियों में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। इसका सही जवाब है, जो बहुत सारे लोगों को पता है, बी, डेंगू का मच्छर रात में काटता है, दिन में नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। माना ये जाता है कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, रात में नहीं। तो आइए अब हम जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि इस डेंगू नामक बीमारी का इलाज क्या है और इससे कैसे बचे रहना है। बहुत ज़रूरी है वीडियो देखना भैया, डेंगू फैला हुआ है। डेंगू का बवाल तो हर साल मचता है और हर साल कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी डेंगू पेशेंट्स के मरने की आशंका कम ही होती है और करीब 1-5% लोग ही इसके कारण मरते हैं। डेंगू वायरस को ख़त्म करने के लिए या इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पास कोई दवाई मौजूद नहीं है, और अगर आपको डेंगू हो भी जाता है तो आपका डॉक्टर आपको कोई दवाई नहीं देता बजाय पैरासीटामोल के, जो तेज़ बुखार को कम करने के लिए आपका डॉक्टर आपको दे सकता है। डेंगू के इलाज के लिए मरीजों को जो एक खास चीज़ बोली जाती है वो है पानी का अधिक से अधिक सेवन करना, फिर वो चाहे नारियल पानी हो, जूस हो, नींबू पानी हो, छाछ हो या नॉर्मल पानी। पानी के अधिक सेवन से डेंगू में बहुत राहत मिलती है। डेंगू जैसी बीमारी में बुखार, उल्टी या दस्त की वजह से शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए डेंगू पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। और जो डेंगू पेशेंट्स हॉस्पिटल में भी भर्ती किए जाते हैं उनका भी सिर्फ पानी का ही ध्यान दिया जाता है, फिर वो चाहे पिला कर दिया जाए या इंजेक्शन द्वारा। डेंगू पेशेंट्स को पानी के साथ साथ आराम करने की और हल्का खाना खाने की भी सलाह दी जाती है, खाना जो पचाने में आसान हो, जैसे कि फल, सब्जियां इत्यादि। तो आपने देखा कि डॉक्टर हमें हल्का खाने, खूब सारा पानी पीने और आराम करने की सलाह देता है, लेकिन आपने अपने आसपास कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी सुना होगा, जैसे पपीते के पत्ते, गिलोय के पत्ते, बकरी का दूध वगैरह वगैरह। कई लोगों का मानना है कि इन नुस्खों की वजह से उनको डेंगू में काफ़ी फ़ायदा मिला है, लेकिन साइंस अभी तक इसको प्रूफ नहीं कर पाई है और ये पक्का नहीं है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं वो इन नुस्खों की वजह से हो रहे हैं या अपने आप ही, क्योंकि डेंगू के ज़्यादातर केसेस में मरीज अपने आप से ही ठीक हो जाता है। तो ये तो थी इलाज की बात, लेकिन अगर हम में से किसी को डेंगू हुआ ही नहीं है और हम इससे दूर ही रहना चाहते हैं तो हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? डेंगू का मच्छर बारिश के कारण इकट्ठा हुए पानी में अंडे देता है, और इसलिए पहली बारिश के बाद ही हमें खास ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास किसी टायर, बॉटल, ढक्कन, फूलदान या किसी भी छोटे बड़े डब्बे में पानी इकट्ठा ना रहे। अपने कूलर के पानी को भी आप बार बार बदलना बिल्कुल ना भूलें। डेंगू का मच्छर ज़्यादातर दिन में ही काटता है, इसलिए कोशिश करें कि बाहर पूरे कपड़े और जूते पहन के ही जाएं। रात में सोने के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि आपको मच्छर ना काटे, और मार्केट में मिलने वाले स्प्रे भी आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं वैक्सीन यानी टीकाकरण की बात करूं तो डेंगू की एक वैक्सीन तैयार तो हो चुकी है, पर उसका इस्तेमाल करने की अभी कुछ ही देशों को इजाज़त है और भारत में उसका इस्तेमाल होने में अभी कुछ समय बाकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इस डेंगू नामक बीमारी का इलाज कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वैसे ये बीमारी भी अजीब ही है, इसकी शुरुआत भी पानी से ही होती है और इस मुसीबत का इलाज भी पानी है। वाह क्या बात कह दी मैंने।
आई होप आप इस मौसम में डेंगू से बचे रहें, और अगर आपको डेंगू हो भी गया है तो आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस डेंगू के मौसम में अपना ख्याल रख सकें। और इसी तरह की वीडियोज़ देखते रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। हाँ, सब्सक्राइब ही करना है।